वेलकम स्टूडेंट्स, जैसा कि इस प्रैक्टिकल के फर्स्ट पार्ट में हम डिस्कस कर रहे थे लॉजिक गेट्स को और हमने और गेट को डिस्कस किया था, तो उसी डिस्कशन को हम कंटिन्यू करेंगे और अभी हम देखेंगे एंड गेट को। तो यहाँ पे आप एंड गेट के लिए सर्किट डायग्राम देख सकते हैं और साथ ही मैंने यहाँ पे उसके लिए ट्रुथ टेबल को भी ड्रॉ किया है। तो जैसा कि हमने और गेट के सर्किट को डिस्कस किया था कि उसके अंदर एपरेटस को हमने कैसे जोड़ना है, तो एंड गेट में हम सिर्फ ये करेंगे कि जहाँ पे हमने और गेट को लगाया था सर्किट में, वहाँ पे हम एंड गेट को ज्वाइन कर देंगे। तो बाकी का पूरा सर्किट वही रहेगा जैसा कि और गेट में हमने डिस्कस किया था। तो एंड गेट को जिस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि इनपुट पे ए और बी दोनों की तरफ हम जीरो इनपुट देंगे, यानी कि K1 और K2 दोनों को ओपन कर देंगे, तो हमारे पास कोई सिग्नल पास नहीं होगा। तो एंड गेट की वजह से हमारे पास जो आउटपुट आना चाहिए वो जीरो आना चाहिए। तो हम देखेंगे कि सर्किट में लगा हुआ जो LED है वो ग्लो नहीं करेगा। इसके बाद अगर हम K2 को क्लोज कर देते हैं, यानी कि B की तरफ हम 1 इनपुट देंगे, तो हम देख सकते हैं कि एंड गेट की वजह से जो हमारे पास आउटपुट आना चाहिए वो जीरो आना चाहिए। इसीलिए हम सर्किट में देखेंगे कि हमारे पास जो LED है वो ग्लो नहीं करेगा। इसके बाद हम K1 को क्लोज कर देंगे और K2 को ओपन कर देंगे, ताकि हमारे पास एंड गेट के ए इनपुट पे 1 सिग्नल जाए और बी इनपुट पे 0 सिग्नल जाए। तो हमारे पास आउटपुट पे एंड गेट की वजह से 0 आना चाहिए, तो हम देखेंगे कि LED ग्लो नहीं करेगा। इसके बाद हम K1 और K2 दोनों को क्लोज कर देंगे, तो हमारे पास एंड गेट के इनपुट ए और बी दोनों पे 1 इनपुट जाएगा, यानी कि इन दोनों इनपुट्स की वजह से एंड गेट के आउटपुट पे हमें 1 मिलेगा। तो हम सर्किट में देख सकेंगे कि हमारे पास जो LED है वो ग्लो करेगा, यानी कि अब सिग्नल पास हो रहा है। तो ये तो हमने वो मेथड डिस्कस किया जिसमें हम सर्किट को खुद से जोड़ेंगे। अब हम देखेंगे कि जब हम वो बॉक्स यूज करेंगे जिसके अंदर ये सर्किट पहले से जुड़ा हुआ होता है, तो उसके जरिए से हम एंड गेट के ट्रुथ टेबल को किस तरह से वेरीफाई करेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने ट्रुथ टेबल ड्रॉ कर दिया है एंड गेट के लिए, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एंड गेट हमारे पास यहाँ पे बॉक्स पे बना हुआ है, जो कि आपको यहाँ पे शो हो रहा है। तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि जो एंड गेट का ए इनपुट है उसे 0 स्टेट देंगे, ठीक है, जो कि हमने यहाँ पे वायर के जरिए से ज्वाइन कर दिया है कि हमारे पास ए पे 0 इनपुट जा रहा है, और जो हमारे पास बी इनपुट है एंड गेट का उसे भी हम 0 सिग्नल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जैसे कि ट्रुथ टेबल में है कि हमारे पास आउटपुट में भी 0 आना चाहिए, तो जब हमने गेट का आउटपुट यहाँ पे वोल्ट मीटर के साथ ज्वाइन किया है, तो यहाँ पे हमारे पास 0 डिफ्लेक्शन आ रही है, यानी कि ये वाला जो हमारे पास ऑपरेशन है इसे हमने वेरीफाई कर दिया है। इसके बाद हम ए इनपुट पे 0 सिग्नल देंगे, और इसी तरह से जो हमारे पास बी इनपुट है उसके ऊपर हम 1 स्टेट देंगे, और फिर इसके जो आउटपुट है यानी कि एंड गेट की जो आउटपुट है उसे हम वोल्ट मीटर के साथ ज्वाइन कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चूंकि हमारे पास सिर्फ एक इनपुट 1 है और दूसरी 0 है, तो इसलिए हमारे पास आउटपुट में भी जो डिफ्लेक्शन है वो 0 पे शो हो रही है, यानी कि सिग्नल पास नहीं हो रहा। इसके बाद हम इस तरह करते हैं कि जो हमारे पास ए इनपुट है वहाँ पे 1 सिग्नल अप्लाई करेंगे, यानी कि सिग्नल को पास होने देंगे, और इसी तरह से जो हमारे पास बी इनपुट है बी पे हम 0 स्टेट अप्लाई करेंगे। फिर जब हम आउटपुट में देखेंगे तो आउटपुट पे अभी भी हमारे पास 0 स्टेट जाहिर हुई, जिसने हमें शो किया कि हमारे पास सर्किट के थ्रू ये कंडीशन वेरीफाई हो रही है। इसके बाद हम फोर्थ ऑपरेशन पे जाएंगे जहाँ पे हमने ए को 1 स्टेट अप्लाई करनी है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे वायर्स के जरिए से उसको 1 स्टेट दी है, और बी को भी हम 1 स्टेट देंगे, यानी कि दोनों तरफ अब सिग्नल पास हो रहा है। तो एंड गेट के जरिए से हमारे पास आउटपुट में भी 1 स्टेट आ रही है, यानी कि अब यहाँ पे हमारे पास डिफ्लेक्शन आ रही है, जो कि डिफ्लेक्शन मैक्सिमम आ रही है, जो कि शो कर रही है यहाँ पे कि सिग्नल अब पास हो रहा है। तो ये हमने एंड गेट के ट्रुथ टेबल को वेरीफाई कर दिया है। इसके बाद अब हम नॉट गेट को डिस्कस करेंगे।
तो यहाँ पे आप नॉट गेट के लिए सर्किट देख सकते हैं और साथ ही उसका ट्रुथ टेबल देख सकते हैं। नॉट गेट के अंदर असल में जो भी इनपुट दी जाती है, आउटपुट में हमें उसका ऑपोजिट मिलता है। यानी कि अगर हम इनपुट ए पे अप्लाई करेंगे जीरो स्टेट, तो आउटपुट पे हमें वन स्टेट मिलेगी। इसी तरह से अगर हम इनपुट पे वन स्टेट देंगे, तो आउटपुट पे हमें जीरो मिलेगी। इसके लिए सर्किट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नॉट गेट को इस सिंबल से शो किया जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। इसके इनपुट के साथ हमने की को अटैच किया हुआ है और की को आगे हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच किया है। बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को फिर हमने एलईडी के कैथोड के साथ अटैच किया है और जो हमारे पास एलईडी का एनोड है उसे हमने फर्दर कनेक्ट किया है नॉट गेट के आउटपुट के साथ। तो अब हम यहाँ पे इसी नॉट गेट को चेक करेंगे इस बॉक्स के जरिए से, जहाँ पे आप इसका सर्किट देख सकते हैं कि यहाँ पे नॉट गेट हमें दिया हुआ है। इसको जब हम जीरो इनपुट देते हैं और इसके आउटपुट को हम अटैच करते हैं वोल्ट मीटर के साथ, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास मैक्सिमम डिफ्लेक्शन शो हो रही है। यानी कि इनपुट पे हमने जीरो दिया और आउटपुट पे हमें मैक्सिमम मिल रही है आउटपुट, जिससे हमें पता चल रहा है कि जो इनपुट है वो बिल्कुल उलट गया है। इसके बाद हम देख सकते हैं कि हमने इनपुट पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने वन स्टेट दी हुई है, तो हम देखेंगे कि हमारे पास आउटपुट में अब डिफ्लेक्शन बिल्कुल जीरो शो हो रही है। इससे हमें पता चलता है कि जब हमने इनपुट पे वन स्टेट दी, तो आउटपुट पे हमें जीरो ही मिल रही है, यानी कि हमने नॉट गेट को वेरीफाई कर दिया है। अब हम डिस्कस करेंगे नॉर गेट को, जिसका सर्किट आप यहाँ पे देख सकते हैं और उसका टेबल, ट्रुथ टेबल भी हमने यहाँ पे बना दिया है। तो नॉर गेट से मुराद है कि जब हम और गेट के आगे नॉट गेट को अटैच कर दें, तो हमारे पास नॉर गेट बन जाता है। इसका मतलब यह है कि हमारे पास और गेट की वजह से जो भी आउटपुट होगी वो नॉट गेट की वजह से उलट हो जाएगी। और नॉर गेट को किस तरह से शो किया जाता है, उसको इस सिंबल से शो किया जाता है जो कि आप इस सर्किट में देख सकते हैं। तो यहाँ पे भी हमने यही किया है कि जो और गेट और एंड गेट के लिए सर्किट बनाया था, वहाँ पे और गेट और एंड गेट की जगह पे हमने नॉर गेट को यहाँ पे लगा दिया है। सर्किट को जोड़ने के बाद सबसे पहले हम ये करेंगे कि जो इनपुट ए और बी हैं उन पे हम जीरो जीरो स्टेट देंगे। तो हम देखते हैं कि जो और गेट होता है, और गेट में हमारे पास जीरो जीरो पे जीरो आना चाहिए, ठीक है। लेकिन और गेट के आगे हमारे पास नॉट गेट मौजूद है, जिसकी वजह से हमारे पास नॉर गेट बना है। इसकी वजह से हमारे पास जो और गेट की वजह से जीरो आया है वो अब उलट जाएगा, जो कि अब हमें वैल्यू आएगी वन की, ठीक है। तो इसीलिए हमारे पास जो एलईडी है वो ग्लो करेगा। इसके बाद हम के वन को क्लोज कर देते हैं, ठीक है, और के टू को ओपन ही रहने देते हैं। तो हमारे पास जो ए इनपुट है वहाँ पे वन स्टेट होगी और बी इनपुट पे हमारे पास जीरो स्टेट होगी। अब और गेट के मुताबिक हमारे पास जो आउटपुट है उसकी वैल्यू वन होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि एक जो इनपुट है वो वन है। लेकिन जब यही इनपुट नॉट ऑपरेशन की तरफ से गुजरेगा, तो वो इसको उलट कर देगा, यानी कि हमारे पास अब नॉर गेट का जो आउटपुट है वो बन जाएगा जीरो। इसीलिए हमारे पास अब एलईडी ग्लो नहीं करेगा। इसके बाद हम के वन को खोल देंगे और के टू को क्लोज कर देंगे, तो हमारे पास ए इनपुट पे जीरो स्टेट आ जाएगी और बी इनपुट पे वन स्टेट आ जाएगी। तो अब हम देखेंगे कि हमारे पास इस सिचुएशन में और गेट की वजह से आउटपुट आना चाहिए था वन, लेकिन नॉट गेट की वजह से यही आउटपुट उलट जाएगा। तो नॉर गेट अब हमें आउटपुट देगा जीरो की, इसीलिए एलईडी ग्लो नहीं करेगा। अब हम ये करते हैं कि के वन और के टू दोनों को क्लोज करते हैं, यानी कि इनपुट ए और बी दोनों पे हमारे पास वन स्टेट मौजूद है। तो और गेट की वजह से तो हमारे पास आउटपुट आना चाहिए वन, लेकिन नॉट गेट की वजह से ये आउटपुट उलट जाएगा। तो अब हमारे पास जो नॉर गेट है वो जो आउटपुट देगा वो हमारे पास आएगा जीरो का, जिसकी वजह से जो एलईडी है वो ग्लो नहीं करेगा। अब इस नॉर गेट को हम सर्किट बॉक्स के जरिए से वेरीफाई करेंगे और वो हम इसे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।